बेटी को शरणाए मात शारदा तुमको सुमरे भूले अक्षर देव बताई और हे जगदम्बा कर्ण विलंबा हाय नैया खेई लगाए दे पार मात हमारी तेरन की जे आइए शेरा गिर असुबारी हाय देवी ललता हर विकलता हो अरे देवी ललता हर विकलता हो सफलता आज हमारी और पकड़ो कलम देव मोई इल्म तो जुल्म की देव घड़ी हसटारी अजब अनूप तुम्हारी झांकी हो अजब अनूप तुम्हारी झांकी बाकी नीम सार दर्शाए और लोमस ऋषिनी करी तपस्या तीरे बही गोमती धार मात कमिंसा कांवर वाली लाली राखो सबा मझार सपनों दे दो तेज सिंह को मंदिर हाल लोरी बनवाई और हे बजरंगी हर के संगी जंगी गदा हाथ हर बार और संकट जानी दास अपने पे आए के दुख करो सब छारी साथियों आदर के बुजुर्गों प्यार करने योग्य बच्चों सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी मातृशक्ति आज हम राजपूत केसर के माध्यम से आल्हा में एक नवीन आख्यान बिरियागढ़ संग्राम जिसमें ऊदल ने कितनी बहादुरी दिखाते हुए अपने मित्र लाखन के साथ रहकर के जो महाराज बीर सिंह थे बिरिया के इन्हें किस तरह परास्त किया है वो सुंदर आख्यान में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
वाह जाइए दोस्तों। अरे ताल बिगारो है तो काई ने हाय चुगिलन डारे ते देश बिगार माहिल भूपति गिर चुगिलन में बारह बाट भय ते परमाली और कर कर चुगलियो न माहिल ने अरे सब गढ़ कर दे पनिया ढार चुगली करके भूप पर माल से आल्हाऊ दल दे निकारी अरे ना खुश हुई के चंद्र वंश ने दीनी कठिन तला के चार भूमि त्यागी दई मंडली कने और चलवे पौ भय ते तियारी अरे ढेवा सहित निकल ठाड़े भय हो अरे ढेबा सहित निकल ठाड़े भय डोला संग कामिनी निकारी और मारग घेरी कही मलखे ने दादा मंडली के अवतार आधो सिरसा नाम तुम्हारे कीनो राज करो सरकार और सुलके सहित हुकुम न डारे हो अरे सुलके सहित हुकुम न डारे आला साफ करी इनकार और चंद्र वंश की हम सीमा में नाई रहे मल्हारे राय घाट काल पी को तज पीछे कीनो रैन बसे रह जाए बड़े बड़े राजन के ढिंग आए कौन ओढ़े पुन के भार और आस टूट गई मंडली तकी आए जय चंद के दरबार कई और बल पौर सढ़ेबा ने भाखो लाखन मन की नो तो इतवारी और महल पुराने कर खाली और रिजगिर उन्हें बसाए नौ जाए गई और करी मिताई प्रीति दुहाई भाई समकी नित व्यवहारी और सबिया रियासत को लेखन ले सौंपो मंडली कपे भारी और लीख की लाख करे सोया ला दुआई फिरी बना फर राई याद रखना दोस्तों इधर तो आला को रिजगिर में लाखन ने वसा लिया है ये खबर जिस समय उरई के नरेश माहिल को मिली है तो सोचने लगा है दिल ही दिल में हाय चर्चा पाई है महल ने लाखन आल्हा लय टिकाई और कर को बान जिगर यकुलानो माहिल सोच गए उर छाई और कायम बेरी पास कचेरी समूह कर ले मौज बहारी और अब कल नाई हर माहिल को लिली पफादे हो तया सवारी जिस समय माहिल कन्नौज में आए हैं नौजवानों हुआ क्या और त्वरे पे घोड़ी बदबाई खबर लगाई महल मंझारी और भाव बुलवा है माहिल को चल भय माल बंद के लाली और फेरत तब मुझे अपनी पे तिलका महल निहारो जाई
मत देखो है भैया को मेहना पलगन और अरकाई। और कुशल छे मजे पूछन लागे नी की माहिल दई बताई। और हमने सुनी बहन तुम आला अपने लीने महल टिकाई। और भली करी विधना ने नीकी फिर गए दिना खूब अब आई। और बल पर समाहिल ने भाखो नामी सूरवीर सरदारी। और बड़ बड़ राजन कोहन बांधो सबसे जीत लई तलवार। और अकल गाज जीजा के पर गई ऐसे दीने सूर निकारी। अरे बात पते की कहे बतलावे बहना पैया में परू तुम्हारी। आला उदल से तुम कह के तो प्रिया को सर ले बोरे करवाई। अरे मुंह को हाथ अरे खूब अब लगेगा बहना साची तो देवे बताए। पलटन और रे अधिक अब बढ़ गई के खर्चा डबल तो हो तू अब जाए। अरे सकल खजानों के खाली पर ये मांगे भी फिर मिलेगी ना। तासे कही तो हमारी मानो जो मन आबे के बहनी तुम्हारी। अरे बिर सिंह राजा के यति बल धारी सबरी गाजर है दई है पुजारी। अदब न मानो कछु जयचंद को तज में तै तू बनो है सरदारी। बारह बेर तो चढ़े नप जे चंद भज भज आए अनेक अनुबार। और समय चूके तो अति हुई जाए मोको मिले न बारंबार। आला मना मन ब्रह्मा आए है के मोसो कहता दे परमार। और ही ये समानी ती माहिल की बानी सूजत ना ले नान और पान। और माहिल पेंटरे घाल के चल गए और बे उरही की सीध लगाए। तिलका अवश्य तो भेजिए उदल वीर सिंह समदी लगे हमारी। अरे समर करे के उदल न जीते वीर सिंह देवे को जान से मार। और सांप मरे न लाठी टूटे के से जई कामरे सिद्ध हुई जाए। हार बलवान बुद्धि ने पलटा खाओ है। सुरजन होन हार बलवान है बुद्धि ने पलटा खाओ है। अरे पलटा खाओ
खाओ ए यारो होन हार पल पान है बुंदी ने पलटा खाओ ए याद रखना नौजवानों इधर तो महल तिलका को शीख दे करके उरही के लिए चले गए दोस्तों, उधर माँ तिलका ने क्या किया बांदी को बुला करके आदेश दिया है। हाय बांदी ये तेरी कही तिलका ने बहना सुन ले कान लगाई और जल्द चली जा तू रिज गिर लोने कऊ दल को लइए बुलाई ए बांदी चल गई तीर कन बरसे और रिज गिर की सीध लगाई पे हाय चटक सुनरिया लटकत जावे धुतिया दबति पाए सो जाई और भ्रगुटी कुटल नैन रत नारे गोरे हते भमीरी गाल और चादर हरी हतीर बांदी की घूंघट ऊपर लो दो घारी और प्यारी चलती हती अपुर भैया तोल लौट परो पछियार और उड़ो दुपट्टा जब बांदी को चमकन लगो गले को हारी और मुस्की छूटी जब गोरी की कोंदा भाव सुरग में जाय थे हाय चका छोंद कोंदा सो हुई गो वीरन सुनियो कान लगाई और गढ़े जिगिर की आज बैठक में बैठो देव कुंवर को लाली और जाय के बांदी बोलन लागी तुम्हें महारानी रही बुलाई दोस्तों जिस समय बांदी उदल के पास जाकर के कहने लगी है कि तुम्हें महारानी तिलका जो लाखन की माँ है वो कन्नौज में बुला रही है तो हुआ क्या नौजवानों और उठो बेंदुला को चढ़ भैया मानो सिंह बनिया में जाए थे और अगल बगल पे दुई पिस्तौल है करिहा दुई झूले तलवारी और तिलका मैया के महलन में हो अरे तिलका रानी के महलन में उदल करी बंदगी जाए और सात पैग पे तेगा धर दो और धर दई ढाल तलवार और दे पर कम्मा रानी तिलका को सर धर दो चरण में जाए कौन मुसीबत मैया पर गई जो तुन जल्दी लो बुलाए अरे रानी तिलका बोलन लागी हो अरे रानी तिलका बोलन लागी सुनियो देव कुंवर के लाल और चचा तुम्हारे स्वर्ग सिधारे बारे इते कनौ जी राय और तब से सबई भूप गाजर के हमको बैठे सिंह दिखाए और रुपया पैसा की का गिनती न धानन को दो प्यार और चचा तुम्हारे दिवर हमारे बारे में बांध गए तलवार और फिर सिंह राजा की धमकी में देवर बैठ रहे मन मार लाखन राना इसे गोद में सांची कही तिलक दे माए और प्रिया सर लालन कर ले वो देवो रिप के मान घटाए और कैसी कही मात तुम हमसे घेर की बिरिया ले लुटाई और चर्चा करी न
सुन बचन हमारी और ये बलो जाते जीत ले आते और कबुलाते राम जुहारी। अरे जा भाई पानी रन बाघी की मेरे बचन करो परमान और करिया मकरन से बरदानी बीर सिंह नाय सूर बलवानी। और धीरज धारो मन को मारो गंगा मोए गुरु की आन और आज से आठ मास के अंदर बेरी बांध दिखा में आई। यारो इतनी के उदल हरिज गिर को लौटे सुरजन इतनी के उदल हरिज गिर को लौटे कह के उदल हर जिगर को लौटे हैं। याद रखना दोस्तों अपने मित्र की मां से कसम खाने के बाद जिस समय उदल लौट करके रिजगिर में आया है बड़े भैया आला राजगद्दी पर आसीन थे। जाते ही जाते उदल ने अपना सर अपने भैया के कदमों में ले जाके रख दिया। आला पूछने लगे उदल क्या बात है आज चेहरा बड़ा उदास नजर आ रहा है। उदल आंखों में आंसू भर के कहने लगे भैया आज बात ही ऐसी विलक्षण बन गई। आला ने पूछा क्या बात है तो जवाब दिया है उदल ने अरे जा भाई बानी अरन बाघी की दादा मंडली कै अवतार रानिया तिलका के तो महलन में हमने कर दो कॉल करारी। और बिरिया जीत बांध बीर सिंह को हम देला घन की नजरी गुजारिए साबिरो जान जय चंद को कर तहसील दादा हमारी। सुन के बानी तचे बना फर हो अरे सुन के पानी तचे बना फर तुम हो कहा करैया लाल और बिशियन दिल्ली काबुल नरबर माणो और देश बंगाल इतने और कठिन जानो मानो निश्चय बात हमार। अरे बिरिया बिस की जानो पुरिया हो अरे बिरिया बिस की जानो पुरिया बीर सिंह बंधु बलि है चार और पारस पुत्र अधिकतर बरिया पित को राज बढ़ा बनहार। बीर सिंह वीर सम बरदानी रन में भजत देख सरदार। ए टपकत गर्भ गर्ज सुन बाकी साखी जा को है सब संसार कैसे अढ़ाई कोर बैठैया के ऊंचो ताड़ वृक्ष उन्हारी। और दानव देते भांति कदम में शिव को तीनों तो शीश उतार कर हाय नैनागढ़ हम लखो नैन भरे साची मानो बिरन हमारी। अरे बातें सुन के मंडली ककी कर जो देव कुंवर को लाल
सर कसम भगवती की हम खाई के दादा तिलका महल मझारी। अरे तू जला खानी और जा चलने सोप सवरिया सती को भारी। और तीजे यार पलट गए पगिया प्रणकी नो तो भर गंगा मझारी। और संकट समय मित्र लाखन ने औरत भर भादों में भारी। और विपत निभारी सुख द भारी तारी न एक बात तुम्हारी। और पिता समान सदा हम मानो कोने करी न बात तुम्हारी। और ज्यादा दायब बनिए नहीं के मारो छोब नगाड़े क्यारी। और बैठे रहिए तुम तबुअन में के मेरी देख ली जो तलवार। और कौन बात को तुम डर पतो हिम्मत या जुदार हारी। और जन जन्म लो दुनिया में मर के स्वर्ग धाम में जाए। और या फिर जन्म फिर मरबो है मरबो एक दिना हो जाए। और पर सेठ बहादुर सिंह को तुम्हारी देवे नजर गुजार गए। और कर तहसील ले एक पल में दल में कौन कहे तलवारी। और क्रोध देख के रणबंका को दिकर काप काप रह जाए। और हो सब बंदया लाते हुए गए लीली पेट जाते नहलारी। यारो लखियू दल को क्रोध कयाला ऐसे बोले। सुरजन लखियू दल को क्रोध कयाला ऐसे बोले। ऐसे बोले हैं आला है ऐसे बोले हैं। यारो लखियू दल को क्रोध के भैया जिस समय उदल को क्रोध में देखा है आला ने सैयद ढेबा और भी जो अपने पारिवारिक जवान थे उन सबको बुला करके ढेबा के सामने प्रस्ताव यह रख दिया कि मित्र अब तुम ये बताओ कि हम बिरियागढ़ का संग्राम कैसे जीत सकते हैं। तो ढेबा ज्योतिष को देख करके बोला है आल्हा से भैया जाको चाहो जीत बो तो कर एक उपाय। ताकि ताकत काऊ विधि खूब ले अजमाई। ताकि ताकत काऊ विधि खूब ले अजमाई। जोगी बन के भेद ले आवो उदल मानो के कही हमारी। ए लौट के आबो के अनी सजाबो फिर रण रोप के करो तलवार। मानी सीख के तुरंत ढेबा की असक छोड़ तो दो दरबार। अब कल नाई के दादा उदल को अपनो बाज करो है तैयार। गुदरी लेके के मारो बाली झारखंड को भाव तैयार।
को रखा की रे धुनी पे पहुंचे ते बखुमरी के लाल याद रखना दोस्तों, जहां पर गुरु गोरखनाथ झारखंड में समाधिस्थ बैठे हैं, पूदल वहां पहुंचा और क्या किया इसने, ते परिक्रमा के गुरु गोरख को सर धरता तो के चरण पे जाए, हाथ जोड़ के बोलन लागे गुरु जी पैया में परू तुम्हारी, चंद्र वंशने ना कुछ हुई के मोए महुबे से दो है निकारी, अरे शरण कनौजी की हम लीनी ओढ़े विपत्ति सदा मेरे भारी, उनकी मैया जो तिलका है के ताशे कर दो कॉल करार, और पाना नाथ देव निकमो को मेरे काम सफल हो जाए, याद रखना हरनाथ सिंह जी, जिस समय उदल ने गुरु गोरख से वेशभूषा मांगी है तो गोरखनाथ ने कहा बेटा उदल अच्छा देत हम आज तुमको सोटा और रे खड़ा हूं लाल, अरे सोटा काम तो युद्ध में आवे राखे सदा समर में शान, उड़ना खड़ा हूं भेद बताऊं समझाऊं सुन लला हमारे, मन साहा तुम्हें पहुंचावे पावन संगरे गगन मझारी, ले वो कमंडल गुड़ है जामे मानो सोचो ले मंगवाई, और बिना नीर के कूप में फांसो के जामे अवसरे नीर भरियाई, आशीष दे के धर दो पंजा जावो काम रे सफल हो जाए, अब प्रिया को उदल धाओ के शीस नबाओ तो पाग उतारी, अरे शक्ति की पहली तो खराबू गुर की पहुंचो पार सपाग मझार, और पलकन लोटो घरी न चूकी पारस किला निहारो जाए, और तीन को सबरिया से पहले पारस किला करो है तैयार, और सरहद दाबी लई तेजे चंद की अपनो लीनो है रब जमाई, अरे दुश्मन नेक तो थसन नहीं पावे चाहे जान तो भले कढ़ जाए, पारस बाली है बगिया में के उदली तेरा देह लगाए, अरे
है गोरल पंका ने सुखो चमन गौ है लहरा यारो पार सकी बगिया में कूदल डेरा लगाए दो है यारो पारस की बगिया में बना फर डेरा लगाए दो है अरे डेरा लगाए दो है बना फर डेरा लगाए दो है सुरजन पारस की बगिया में बना फर डेरा लगाए दो है मेरे नौजवान साथियों जिस समय उदल ने वृषिंग के पुत्र पारस के बाग में योगी रूप में जाकर के जब विश्राम किया है गुरु गोरखनाथ के मंत्र का जाप करके जिस समय बाग को हरा भरा बनाया है खबर माली के द्वारा जिस समय वृषिंग के पुत्र पारस को लगती है कि बाग में एक विलक्षण संत का पदार्पण हुआ है जिसके कदम रखते ही बाग हरा भरा हो गया। दोस्तों ये खबर सुनते ही पारस संत से मिलने की लालसा हृदय में लेकर के जब चला है अरे मंत्री सहित चले दरबारी आए सबरे बाग मझार पारस कुमर उतर हाथी से आरती कीनी जाए उतार घरे पलटने न तब खोले बोले कुमर देवला प्यार और हो तुम कौन कहां के वासी किन राजन के राजकुमार याद रखना नौजवानों पारस को ये पता नहीं है कि ये संत है या उदल है तो योगी रूप में उदल पारस को पूछने लगा है कि तुम कौन हो तो पारस ने जवाब दिया है वीर सिंह राजा के सुत मुनिवर पारस नाथ हमारो नाम और दर्शन भये भाग्य मेरे जागे अब तुम चलो हमारे धाम और सेवा कर है नाथ तुम्हारी तासे मानो कई हमार और तब ही उदल बोलन लागे सुन राजन के राजकुमार अरे नाई जाए भूप बस्ती में तुमसे साफ करे इनकार और सुन इनकारी धीरज हारी बलधारी जो कहे उचार हयास हमारी पूरन कर दो बाबा पैया पर तुम्हारी और एक बात राजन सुन लीजो दीजो और हमारी ध्यानी और निगुरागर हम भूल न जावे ना ही करतने कै अपमान और किन गुर मंत्र दो है राजन सो तुम हमें देव बदलाई और तब ही पारस बोलन लागो बाबा सुन ले कान लगाए छै और ना ही गुरु नाथ हम कीने तुमको चलन परे मम धामी और तुम ही गुरु आज से मेरे चल के फूंक दे मेरे कान और इतनी सुन के उदल हंस गए अब बन गए थे हमारे काम और योगी रूप दो उदल को अब क्रिया को करो बयानी
इधर उदल ये पारस के साथ चला है बिरिया के लिए। राजभवन में जिस समय ये पहुंचा है, ध्यान रखना दोस्तों, हाय पाई ये खबर महल कमला ने जो है सुता मही पति क्यारी कहे और कंचन थार धार कर अपने तामे कर मानी कौजियारी। और सखियन सहती आए द्वारे पे आरती ऊपर रही उतारी और परसन चरण लगी जब रानी उदल करी साफ इनकारी। और पैर छुआ बे नात्रियन पे रानी मानो कई हमारी और उदल को निज महलन ले गई चौका जाई दई जीवनारी। और सात खंड धोरा के ऊपर कमला जाए पलंग दौड़ारी और हंस बैठारी लो उदल को ऊपर लागी करन बिहारी। यार हो नहार बलवान हुए कछुआर हुए रहो है वीरन हो नहार बलवान हुए कछुआर हुए रहो है। अरे और हुई रहो है तदा कछुआर हुई रहो है सुरजन होनी है बलवान के। भैया मेरे नौजवान साथियों, जिस समय उदल को कमला ने अपने राजभवन में भोजन कराया है, भोजन से निवृत्त होने के बाद में जब उदल पलंग पर बैठ गया तो कमला जो माहिल की लड़की थी, ये बिरिया के नरेश वीरसिंह के लड़के पारस के लिए विवाही गई थी, वो कमला उदल को पूछने लगी है, महात्मा जी अरे हाथ जोर के कमला बोली अरे बाबा परम हंस महाराज है गुरुद्वारो कहाँ तुम्हारो आए कहाँ पर छोड़ी समाज। उदल बोला है हम गुरु झिलमिला के चेला है और मंगल गिर नाम हमार हर द्वार से आबन की नो आगे बढ़ गए गुरु हमारी। अरे सूरत देख होत दिल धक पक साची मानो बाबा हमार कहे और कौन तपस्या खंडित पर गई जो बारे लय मुड़ मुड़ाई। और मेरे जियरा मेरे ध्यान सत्य हो राजन के राजकुमार कहे और चीनो चमकत हैर माथे पे बांधे रहते बेजनी पागी। और कोमल गातन ने न छत्ती समय मुड़न छिपे बता में आज हाय कर्म छिपे ना मुड़ मुड़ाए चाहे कोटि न करो उपाय। और छल छंदी फंदी तब बोले कमला सुन ले यार जे हमारी कहे हाय पिता हमारे बारे मर गए मैया बारी बैस भई राणे। और मारे कूटे ते भौजाई ने और भैयन ने दैत निकार कहे और तब हम शरण लई थी गुरु की अपने डारे मुड़ मुड़ाई। आंखों में खून के कतरे लेकर कमला कहने लगी दिमाग से बात करो
उदल कहने लगा क्यों, तो कमला ने जवाब दिया, अरे कमला परख गई तब पानी के हो सहजादे दिवल दे प्यार कई, और जोगी बन माढ़ो बन आई तुम छलकी लो संग हमारी, और भेद तुम्हारो हमने जानो स्याने कुमर देवला प्यारी, और गोद खिलाए संग खवाए रानी मलहना महल मझारी, और बुआ हमारी मात तुम्हारी तो उछल कर रहे संग हमारी कई, और अब उदल अपने मन जानी कमला हमें लो पहचानी, और नब के चरण छुए कमला के आखिर लागे बहन समान, और लकी सन्यासी मोहे उदासी अब जियरा में होती अपारी, कमला पूछने लगी भैया उदल आखिर बात क्या है, तुमने योगी का रूप क्यों लिया है, तो उदल कहने लगे बहन, और ना खुश हो के चंद्र बरसने मोय महुवे से दो निकारी, और सरल कनौजी की हमलीनी जो है मात तिलक दे प्यारी, और लाखन संग मित्रता कीनी पगिया पलटी गंग मझारी, और रानी तिलका से पड़ती नो गंगा बचन गए हम हारी, और प्रिया चीतन के हम काजे बहना डारे मुड़ मुड़ाई, और ससुर तुम्हारे को कसबा दे दे लाखन की नजर गुजारी, और अब कमला है मन में जानी होनी गई सी सपे छाई, और जो हम आज कहे बालम से नाहक जाए बिरन की जानी, और भेद बता में ना बालम को रड़िया बस दे करवाई, और रानी मलहना बोलन मारे तुमने कुमर दे मरवाई, हाय बिरिया सुनो सांप की बामी नामी ससुर सूर सरनामी, और धोतो छोड़ दे माड़ो को जहले ले बाप के दाय, और दिल्ली नरवर बलख बुखारो बिसियन की नजीत तलवारी, और कॉल करो सो परो न झूठो कमला सुन ले कान लगाई, और कौन बात बीर सिंह पारस में अति बल धवल होए सरनामी, इस समय उदल ने कमला से पूछा बहन आखिर बात क्या है, तुम्हारे ससुर की तासीर क्या है, तो कमला ने जवाब दिया, अच्छा पिरन करो जब तुम गंगा तो हम भेद कोई देवे बताए, हाथन डारो जो पति मेरे पे तो प्रिया को भेद हम देवे बताए, खाए कसम पिना ना हो बेटे पहना तो है आज विश्वास, गंगा कसम आन मोय गुरु की हो बे घोर है नरक में पास, आर रन चरना तो हने तो रस दो सपन उना तो घाले हथियार, हम और महुबियन की ना जाने के बहना साची तो है बताए,
मैंने कसम कमला से खाई है। तो कमला कहने लगी, भैया और किताब नहीं रन में चढ़ के निज बालम कंठ पछारे, अरे सूर को कूर करे छल में पति जीत ले संगन ढंग से हारे। सुरदेव कपे जिन के बल से शिव को जाए के देसी सउतारे, सुरजन चेतन निहतो डर मोई कहूं आए के उदल न पछारे। और जब से सुनी है ससुर मेरे ने लाखन उदल लए है टिकवाई, फौज कटीली अति को बढ़ाई तो खाई खंडक दे खुदवाई। और सातो खंड धरो के ऊपर अजगर तो पहाड़ चढ़ाए दे जाए, और नित भय मानत ससुर हमारे के काउत न चढ़े है बना फर लाल। दिन को पत्थर चूबरदान है महादेव प्यार, ससुर हमारे पैरन चढ़ के जो कोई घाली देवे हथियार। एक बूंद जो खून की गिरह के बिर सिंह पीस को हो तो तैयार, तुझे दाव पेचे जाने तो चक्र व्यूह समर की मार। तुम्हारे बल पर समय आवे तो जल्दी बांध के आइयो तलवार, शक्ति होवे समर में उनसे तो घर बैठ रहियो मन मार। हम तो खाए फिर तो उधार, छोए के चरण कही उदलने के अब तो जाए रे बहन हमार। सुरजन ले प्रिया को भेद के उदल महलन से कर गए, यारो ले प्रिया को भेद बनाफर महल से कर गए हैं। आरे महल से कर गए रणबंका महल से कर गए हैं, बबलू ले प्रिया को भेद बनाफर महल से कर गए हैं। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय उदल कमला के पास से उठकर के पारस के पास में आया है, रात्रि व्यतीत की है पारस के महल में, सूर्योदय होते ही पारस अपने पिता वीरसिंह के पास गया है, संत के विषय में वार्तालाप किया है कि अपने राजभवन में एक विलक्षण संत का पदार्पण हुआ है। ये सुनते ही वीरसिंह जो बिरिया के सम्राट है अपने सभी भाइयों को लेकर के जिस समय बाग में पहुंचे हैं जहां पर उदल योगी वेश में बैठा था, शकल देखते ही बिरसिंह पारस के पास जाकर के कहने लगा, हाय सूरत देख चकित भय मन में पारस कुमार बिगारो काम, पारस तेरे पास निज अपने बीर सिंह ले गए संग लिवाए। सूरत
जानी और पहचानी अज्ञानी सुन लला हमारी उदल लगत बनो है भगत जू जगत मेरार बढ़ा बनहार भूल तुम्हारी लला हमारे जाने कहाँ कमाए दो ज्ञान बन बैरागी माढ़ो में आगी रणबाघी ने दई लगवाए और चारों बंधु से तिहन करिया तो जम्मे खोलू में दो पिरवाए नैना गड़बा मन बासठ में छर कर नीति भमरिया डार और बन के माली कसने पाली लाली रखी महोबे प्यार कर हाय ना कछदाई बनो लुगाई ब्याही जान फुलंदे नारी और जाई को भाई बनो खदाई चौथी लईटी लड़ेती ग्यारी कह और शब्द वेद तो जासे हारे मारे महाबलिन के मानी और महल जनाने और मर्दाने मांगे सभी हिंद दरम्यान और बामन बासठ में कोई राजा जा को ना सको पहचानी और नटक कंझर और बनो कनफरा बिड़ियन बन की ने नगान और जैसे पेस गई ना रण बेता घर मिले मेहरियन जाई बिरसिंह ने अपने पुत्र पारस से ये कहा तो पारस कहने लगा पिताजी हाय बात तुम्हारी हमने मानी मानी मैंने बार हजार लेकिन जुगू दलिए नहीं बाबुल मानो बात हमार और ये समानी कुमर की बानी जानी नहीं उदय सिंह राय और आए बना फर के ढिंग बोले बाबा परमहंस महाराज चलो भवन पर जा सुख पावे रजनी वहां गुजारो आज और जा भाई बानी रणबाघी की राजन सुन ले कान लगाए और कहा जाए तुम्हारे घर करे उदल छत्री हमें बताई और पेट की थैली जब मैंने कीनी तुम सुत से तकरारी और सुन के बानी भाव अचंभो बोलन लगो चरण सिर नाई हम चर्चा कीनी कछनाई है बिरथा नाथ लगा वो दोष और चले बिना मेरे संग स्वामी मोको होई ना संतोष तब चलो बेदुला को चर भैया नाहर धवल महो बेक्यारी और जाए पहुंच गयो किला छत्र पे चौका जहां बघेले क्या और किला कोट को देखन लागो ऊंचो गढ़ पर्वत उन्हारी हाय किला छत्र के सर के ऊपर लागत तेज सुई की धारी खंडक लगत भूख पाताली जाली से लगत झरोखन ब्यारी और आसन डिग जे रण बोरे के कैसे किला करे बिस्मारी और भोजन पाई आए फिर सिंह ने सुंदर गज कीनो तैयार हाय रैयत दर्शन को तड़पती है सोने का दर्शन देव दिखाई
पर प्रिया ने रखे रूपों दे सिंगारी। हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी